नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। भारतीय कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उन पर करेंगे हम चर्चा। सबसे पहले बात करेंगे इसके भौगोलिक क्षेत्रफल की, यानी कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है। भौगोलिक क्षेत्र की अगर हम बात करें 328.78 मिलियन हेक्टेयर जो हैं ये भौगोलिक क्षेत्रफल हैं, और ये विश्व का अगर हम बात करें 2.4% भाग हैं। भारत जो है क्षेत्रफल के आधार पे, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पे विश्व में भारत का 7वां स्थान है। इसमें से रिपोर्टिंग एरिया की बात करें तो ये 306 मिलियन हेक्टेयर जो हैं ये रिपोर्टिंग एरिया है। रिपोर्टिंग एरिया, चलिए इस रिपोर्टिंग एरिया में से कुल फसल उगाने वाला जो क्षेत्र है, कुल फसल उगाने लायक बोल सकते हैं हम, लायक क्षेत्र जो है वो है 198 मिलियन हेक्टर, जिसमें से 141.40 मिलियन हेक्टर जो है ये एक तरह से शुद्ध फसल उगाने वाला क्षेत्र है। चलिए अगर मैं बात करूं सिंचित क्षेत्र की, सिंचित क्षेत्र कुल सिंचित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 96.5 मिलियन हेक्टेयर जो हैं ये कुल सिंचित क्षेत्र हैं, जिसमें से 68 मिलियन हेक्टेयर जो हैं वास्तविक रूप से, इसको हम बोलेंगे शुद्ध सिंचित क्षेत्र। क्रॉप डेंसिटी की अगर बात करें, फसल सघनता की अगर बात करें तो भारत की फसल सघनता जो है 138% है, इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। चलिए आगे जो है हम देख लेते हैं, वनों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, वन क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 33% क्षेत्र होना चाहिए वन का, कुल क्षेत्रफल में 33% जो है वन होने ही चाहिए। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में कुल वन क्षेत्र जो है, कुल वन क्षेत्रफल भारत में अगर हम बात करें 21.67%। वन संरक्षण अधिनियम जो है ये बना था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंदर ये बना, और इससे पहले जो है 1972 के अंदर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बना था, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम।
1972 के अंदर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बना, 1980 के अंदर वन संरक्षण अधिनियम बना, उसके बाद में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता कितनी है? ध्यान रखिएगा 0.015 हेक्टर एरिया जो है भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्धता है। भारत में प्रति व्यक्ति जो हैं, अगर हम टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड का भाग देते हैं टोटल क्षेत्रफल में, तो प्रति व्यक्ति जो हैं ये उपलब्धता जमीन की आती है। राजस्थान को अगर देखें आप, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के पास में जो है 10.4% है, 10.4%। चलिए थोड़ा और जान लेते हैं बारिश के बारे में, थोड़ा देख लो, ये भी दो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे को नज़र आ रहे हैं। विश्व में कुल वार्षिक जो वर्षा है, विश्व में कुल वार्षिक वर्षा ये देखने को मिलेगी आपको 1000 mm। और अगर भारत की बात करूँ मैं, तो भारत में वार्षिक वर्षा जो है वो 1190 mm देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा गंगा नदी जो है, गंगा नदी वो नदी है जो भारत में सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र को कवर करती है। गंगा नदी जो है, गंगा नदी सर्वाधिक क्षेत्र जो है सिंचाई का, सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करती है। विश्व में अगर सिंचित क्षेत्र की बात करें, तो सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र जो है वो चीन के पास में है, सिंचित क्षेत्रफल की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा चीन के पास में, चीन के बाद में भारत के पास में। और अगर भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है सिंचित वो यूपी के पास में है। लेकिन आपको एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई के अंतर्गत जो क्षेत्रफल हैं वो यूपी के पास में है, और भारत के अंदर सबसे अधिक सिंचित जो क्षेत्र हैं वो पंजाब के पास में, यानी कि पंजाब का के पास में जितना क्षेत्रफल है उसका 98% जो है वो सिंचाई वाला क्षेत्र है। बात समझ में आ गई होगी आपको, यानी कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो यूपी के पास में है, लेकिन एक ऐसा स्टेट जिसके टोटल क्षेत्रफल का 98% जो है वो सिंचित क्षेत्रफल है वो है पंजाब। सबसे अधिक सिंचाई वाली जो फसल है वो गन्ना है। ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा सिंचाई चाहने वाली जो फसल है
वो गन्ना है। और सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाली जो फसल है उसका नाम है धान। दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे अधिक सिंचाई चाहने वाली जो फसल है वो गन्ना है और सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाली जो फसल है वो धान है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ड्रिप इरिगेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक जो क्षेत्रफल हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो किसके पास में है? महाराष्ट्र के पास। सबसे ज़्यादा बूंद बूंद सिंचाई के अंतर्गत जो सर्वाधिक क्षेत्रफल हैं वो महाराष्ट्र के पास में है। और अगर बात करें फव्वारा सिंचाई के अंतर्गत, अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वो राजस्थान के पास में। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट जो है जिसके अंदर हम आगे चर्चा करेंगे, आज का क्लास जो है वो यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। बने रहिए साथ में, रोज़ाना इसी तरह से पेन कॉपी लेके हाजिर रहिए और अपनी स्टडी को मजबूत करते रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।